अंबाला के पंसारी बाजार में सिंगला ब्रदर्स मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, पुलिस की गाड़ी तोड़ने और पुलिस पर हमला करने वाले नामजद आरोपी विकास और अमित सिंगला 5 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे, लेकिन अब विकास सिंगला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन उसका भाई अमित सिंगला अभी भी फरार है। पुलिस इन दोनों आरोपियों को ढूंढने में दिन रात लगी हुई थी। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से विकास सिंगला की जमानत रद्द होने के बाद अदालत ने उसे 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा था। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंसारी बाजार में विकास सिंगला और अमित सिंगला की अमित ट्रेडर्स फर्म पर खाद्य और औषधि विभाग द्वारा 22 जनवरी को नकली घी के सैंपल लेने का प्रयास किया गया था, जिसका सिंगला बंधु ने विरोध जताया था। उस समय सिंगला बंधु ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस के साथ विवाद हुआ, जिस पर पुलिस ने सिंगला बंधुओं पर केस दर्ज किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। तो वहीं पुलिस ने विकास सिंगला और अमित सिंगला समेत कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था और 2 को गिरफ्तार भी किया था, जिनको कुछ दिन बाद अदालत ने जमानत दे दी थी। लेकिन सिंगला बंधु पहले दिन से फरार चल रहे थे। उन्होंने पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। तो वहीं अब पुलिस का कहना है कि विकास ने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है। विकास 1 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में पता चला है कि विकास के भाई किसी दोस्त के पास छिपा हुआ है। तो वहीं आरोपी विकास ने 2 और आरोपियों के नाम पूछताछ में बताए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस में आज इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था, वहाँ से पूछताछ के बाद में शामिल तफ्तीश किया, वहाँ से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर है। अब इसके भाई की तलाश के लिए चंडीगढ़ वगैरह उधर जा रहे हैं और 2 अन्य साथियों के बारे में नाम दिया बताया था डिस्क्लोजर में, उनके बारे पता करके आ रहे हैं। हाँ, पूछताछ में एक तो भाई के बता रहा, अभी चंडीगढ़ में किसी यार दोस्त के पास छुपा हुआ है, बाहर है तो लड़के मारे उनके भागे हुए थे। 2 लड़के का नाम होता है, किसका बाउंसर है कोई, उसका नाम दिया है और एक लड़का और उसका ड्राइवर था। पुलिस का आज मार मांगा था, उन्होंने 1 दिन का लिया। अभी पूछताछ चल रही है, तफ्तीश अभी करेंगे और पूछताछ अभी हमारे आपको बता दें कि विकास अंबाला में पंसारी का काम करता था। भले ही विकास सिंगला ने खुद को सरेंडर कर दिया हो, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है कि वो अमित सिंगला को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। वहीं विकास इतने दिनों तक कहां छुपा रहा और किन लोगों ने उसका साथ दिया, पुलिस ये भी पता कर पाती है या नहीं। देखना ये होगा कि 1 दिन का पुलिस रिमांड काफी है या पुलिस आगे भी रिमांड मांगती है। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।